उज्जैन महाकाल मंदिर से निकलने वाली शाही सवारी में सम्मिलित होने के लिए सोमवार को राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से उज्जैन के लिए रवाना हुए। इस दौरान लफकुश चौराहा पर भाजपा निपानिया मंडल के महामंत्री एवं भवरासला के पूर्व सरपंच राजू ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने श्री सिंधिया एवं प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट का जोरदार स्वागत करते हुए जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर सिंधिया की अगवानी की। हालांकि इस मौके पर लफकुश चौराहा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। भाजपा नेता राजू ठाकुर ने कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन को ओछी राजनीति बताया। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा निपानिया मंडल के महामंत्री राजू ठाकुर, विजय परमार, सालिग्राम पटेल, गंगाराम पटेल, यशवंत पटेल, बालाराम जाधव, पवन सोलंकी, अर्जुन चौधरी, गिरीश गुरु, गोलू पंडित, समीर खान, चेतन चौहान, विकास नायक, ललित ठाकुर, संदीप शर्मा, सत्यनारायण जाधव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संगठन की एक परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में माननीय सिंधिया जी पधारे हैं, आए हैं, उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, क्योंकि उनकी जो नेतृत्व क्षमता है, वो जिस समय कांग्रेस में थे और कांग्रेस में से बीजेपी में आने का उनका कारण रहा है कि उन्होंने किसानों के लिए जो लड़ाई और हित की बात की थी, उन्होंने युवाओं के लिए जो हित की बात कही थी, उस बात पे पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी है वो खड़े नहीं उतरे। वहाँ पर हर बात को सिंधिया महाराज की उन्होंने स्वीकार करा, उनको यहाँ तक कि चैलेंज दिया कि अगर आपको जो करना है वो कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा हुआ, मैं गरीबों के हित में खड़ा हुआ था, किसानों के हित में खड़ा हुआ था, युवाओं को बेरोजगार से उनके हित में खड़ा हुआ था और आप मेरी बात को दरकिनार कर रहे हैं, मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ मैं जनता को जवाब कर दूँगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सड़कों पर उतरूँगा। जब उन्होंने बोला तो कमलनाथ जी ने बड़े अहंकार से बोला कि आप सड़क पर उतर सकते हैं। सड़क पर जिस दिन सिंधिया जी उतरे तो सारी कांग्रेस सरकार सड़क पे आ गई। तो माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में जो जल संसाधन मंत्री है तुलसी सिलावट जी, उन्होंने कंधा से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण किया। भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे उन वादों के लिए उन्होंने कांग्रेस माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में छोड़कर बीजेपी में आए। बीजेपी परिवार ने उनको सहर्ष अपनाया। आज कांग्रेस और के लोग यहाँ पे झंडा दिखा रहे हैं, काला झंडा, उसकी गिरफ्तारी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बड़े कायराना और बेवकूफ़ों जैसे हरकत की है कांग्रेसियों ने। जो चीज़ें वो मांग कर रहे थे, पहली बात तो उन्होंने जनता को इस चौराहे पे बरगलाया कि आइए हमने हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और चंद लोगों को उन्होंने इकट्ठा करा। उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी थे, उनको उन्होंने काली शर्टें पहनवा दी। एक किसी भी पार्टी का विरोध करने का अपना एक तरीका होता है और उस तरीके से विरोध किया जाए। विरोध करने का हर पार्टी को, हर कार्यकर्ता को, हर नेता को, उनका विरोध का तरीका सही नहीं था। जिस बात का वो विरोध कर रहे थे वो विरोध करने का कोई औचित्य नहीं था। माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी ने और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस चीज़ का निराकरण कैबिनेट में पहले ही वो विषय रख दिया था और शहर से ही उस चीज़ को मुख्यमंत्री जी ने भी माना था कि जी हाँ, तुलसी सिलावट जी आपने जो बोला है ये होना चाहिए। ये कोई विषय नहीं था, ये तो सिर्फ एक जो दिखावे की राजनीति होती है, जो ओछी राजनीति होती है, उस प्रकार की हरकत करी है, कोई विषय नहीं। मेरा नाम राजू ठाकुर है, पूर्व सरपंच हूँ यहाँ का, भारतीय जनता पार्टी में अभी मंडल महामंत्री का दायित्व है मेरे पास। कौन सा मंडल में? निपानिया मंडल। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।